फ्रेंड्स, वैष्णवी रसोई के लाजवाब पकवान में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेबी कॉर्न चिल्ली। ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, हमें बेबी कॉर्न चिल्ली बनाने के लिए किस किस इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, आइए डालते हैं इस पे नजर। सबसे पहले मैंने बेबी कॉर्न ले लिया है 200 ग्राम। उसे मैंने टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो, आप इसे लंबे लंबे इसे रख भी सकते हो, इसे काट भी नहीं सकते, ऐसे भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी। मैंने इसे थोड़े टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। मैंने कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्च, इसे भी मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। मैंने कैरेट लिया है, इसे मैंने सर्कल शेप में मैंने काट लिया है। और ये मैंने ऑनियन को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर इसके एक एक करके सारे फ्लेक्स को मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हो सारे फ्लेक्स अलग हैं। मैं इसी तरीके से मैंने ऑनियन का फ्लेक्स निकाल कर रखा है। बड़े बड़े टुकड़ों में काटने के बाद मैंने इसका फ्लेक्स निकाला है। और ये चिली मैंने 5 से 6 मीडियम साइज की चिली मैंने ली है। ये कॉर्नफ्लावर मैंने 4-5 छोटे चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है। रेड चिली पाउडर, मैदा, ये भी 3-4 चम्मच मैंने, छोटे चम्मच मैंने मैदा ले लिया है। अजीनोमोटो 1/4 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटे चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये मैंने 4-5 क्लोव्स लहसुन के मैंने इसे फाइन चॉप करके काट लिया है। ये टमाटो सॉस, केचप, नमक, विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, वाटर, रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसमें मैं जो फ्राई करूंगी बेबी कॉर्न को, उसके लिए मैं पैन में ऑयल डाल रही हूँ। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब जब तक कि हमारा ऑयल गर्म हो जाए, तब तक हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। हमें सबसे पहले कॉर्नफ्लावर को डालना है। 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर का यूज कर रही हूँ। 3 छोटे चम्मच मैदा यूज कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमें इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना है। इसे भी अच्छे से डाल के नमक डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। अब वाटर डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसमें नहीं तो लम्स रह जाएगा। इसे ज्यादा पतला नहीं करना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये अच्छे से डिप नहीं कर पाएंगे हम लोग। जो बेबी कॉर्न को डिप करके तलना है, उसको हम अच्छे से डिप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा थिक भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है घोल को। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। कॉर्नफ्लावर, मैदा, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक स्वाद अनुसार डाल के मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे तलना स्टार्ट करेंगे। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पे बेबी कॉर्न को रखती हूँ एक साइड पर, और एक साइड पर सूखा कॉर्नफ्लावर। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डिप करेंगे। इसे डिप करने के बाद सूखे कॉर्नफ्लावर में लपेटेंगे, अच्छे तरह से रोल करेंगे हम इसको। रोल करने के बाद इसे तलने में डाल देंगे। इसी तरीके से हमें सारा ये सेम प्रोसेस से सारा हम करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। हमें तब तक इसे तलना है जब तक ये पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, ये बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें, ये हमारा बहुत ही क्रंच हो गया है। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ऑयल ज्यादा होगा तो आप इसे कम कर देना। हम सबसे पहले इसमें अजीनोमोटो डालेंगे एकदम 1 चुटकी के बराबर। अब हम इसमें गार्लिक डालेंगे जो हमने चॉप करके रखा था। हमारा गार्लिक गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हो। ऑनियन का फ्लेक्स अलग अलग करके निकाल के रखा है। अब मैं इसे डालूंगी। अब हम इसमें कैप्सिकम भी डाल देंगे। अब हम कैरेट डाल देंगे। आप फ्रेंड्स कोई भी वेजी का इसमें यूज कर सकते हो, पर अनियन और कैप्सिकम तो जरूर से यूज करना है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चिली में। वैसे आप कोई भी ऑनियन, आप बेल पेपर भी यूज कर सकते हो, मशरूम भी यूज कर सकते हो, आप किसी भी वेजीज का यूज कर सकते हो फ्रेंड्स।
अब हम इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे, ज्यादा नहीं, दो तीन मिनट ही भूनना है इसे। देख सकती हो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें चिली डाल देंगे जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। 5-6 चिली का यूज किया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार, आपको कितना तीखा पसंद है उसके अनुसार ही चिली का यूज करिएगा। फ्रेंड हमारे ट्रांसपेरेंट हो गया, इसे हमें ज्यादा भूनना नहीं है, इसका हमें हल्का कच्चापन भी चाहिए। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैं यहाँ 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। तो कलर आप देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। चिली पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर। यहाँ मैंने 1/2 छोटे चम्मच 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर का यूज किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि ध्यान रहे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाला हुआ है, जो मैंने फ्राई करके बेबी कॉर्न्स रखे थे, अब मैं वो डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें टमेटो कैचअप डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच टमेटो कैचअप का यूज किया है। अब हम यहाँ पे विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच विनेगर डाला है मैंने यहाँ पे। अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे अराउंड 1 चम्मच। अब चिली सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये बचा हुआ घोल है पेस्ट, अब हम इसे थोड़ा पतला करेंगे। मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाल दिया है, थोड़ा पतला हो गया है ये घोल। इसके साथ मिला देंगे। अब 2-3 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। वो अच्छे से मिक्सअप हो चुका है, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट पे निकालेंगे। आप देख सकते हो ये बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। आप इसे जरूर से जरूर अपने घर पे ट्राई करें। आप इसे इसी तरह स्टार्टर में भी यूज कर सकते हो, आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, आप इसे चाउमीन के साथ भी ले सकते हो, फ्राइड राइस के साथ भी ले सकते हो। ये बहुत ही यम्मी होता है। ये आप इसे एविंग स्टार्टर में, आप इवनिंग के टाइम भी इसे खा सकते हो। अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद है तो इस रेसिपी को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आए हुए सारे रेसिपी के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस बेबी कॉर्न चिल्ली को एंजॉय करें, ये बहुत ही यमी है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी, हैव अ नाइस डे।